हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दिल से भी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहां भी रहें अल्लाह तबारक व तआला उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मैं सब दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, आपकी मोहब्बत होगी। तो हमारी जो सुबह की रूटीन होती है, हमने सुबह मैं सुबह तकरीबन 4 बजे उठ जाता हूँ। सबसे पहले मैंने जो है मेरा यूट्यूब चैनल CCW TV पर मैंने जो डॉलर के रेट की अपडेट लगानी होती है, तो उसके बाद फिर जो है वो मैं फजर की नमाज़ पढ़ता हूँ और उसके बाद मेरी जो मिसिज है वो भी फजर की नमाज़ अदा कर लेती है। तो अब हम जो जिस जगह पर आए हुए हैं, ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये जो दो नलके लगे हुए हैं, एक नलका वो बोर्ड के नीचे जो लगा हुआ है, तो इसमें पानी भरने के लिए, यानी कि हमारी रूटीन है रोज़ की, हमने इधर जो है डेली पानी भरने के लिए आना ही होता है। क्योंकि ये जो नलके हैं, एक तो ये नहर के करीब लगे हुए हैं और इसका पानी जो है दूसरे फिल्टर की निस्बत या घर के पानी की निस्बत काफ़ी अच्छा है। और ये इसके पीछे आप बच्चे भी इधर खेल रहे होंगे, अजान इधर आओ, ये बच्चे पीछे खेल रहे हैं। यहाँ पर जो है वो इधर 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 खड़े हो जाओ, इधर और दर्शन दर्शन बहना, इधर आओ अच्छे बेटा, इधर आओ, हाँ अच्छे इधर आओ, हाँ जी। तो ये इधर बच्चों के लिए ये भी लगा हुआ है यहाँ पर खेलने के लिए, तो इधर आ जाओ आप भी उधर से आ जाओ ना, हाँ जी। कैसे दोबारा करके दिखाओ, कैसे कैसे कैसे, अच्छा इधर झूले लेने के लिए आए थे, तो पानी भर के जाना नहीं है, पानी भर के जाना है। तो इधर ये हमारे साथ जो है ये नहर भी है, तो इधर बच्चे जो है आपने क्या करना भैया, पानी भरने के बाद जाने के बाद नहर को करना है फिर। तो इस तरह ये जो आपको नलके में पीछे जो दो एक दो और तीन नलके लगे हुए हैं, क्या लेना है, दो दो बच्चे लेने हैं, अच्छा अच्छा। ये जो आप नलके हमारे पीछे देख रहे थे, इस नलकों में एक सबसे अहम बात यह है कि इस पर कोई भी जो है वो खर्चा नहीं है, या हमें पानी भरने के कोई भी पैसे वगैरह नहीं लेते, हम जितना भी होता है ये सारे का सारा जो होता है ये जहाँ की जो मुकामी है वही भरते हैं, वही इसको सही तरह भी वही करवाते हैं। तो ये आपके पीछे दिख रहे हैं नलके का पानी, यहाँ पर अवाम का इतना ज़्यादा रश होता है ना जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है, तो काफ़ी दूर दूर से लोग जो है इस तरफ पानी भरने के लिए आते हैं। तो अब मैं भी पानी भर लूँ और उसके बाद फिर हमने जाना है। अजान मोहित भैया, अजान भैया इधर आओ, पानी भरने के बाद आपने किधर जाना है, इधर जाना, इधर आओ, इधर उधर नहीं जाना, इधर आ जाओ, सड़क की ओर चलता है। पानी भरने के बाद किधर जाना है, नहीं आपका स्कूल से रिजल्ट लेना है, इधर आ जाओ अर्शिया, अच्छा इधर आ जाओ, इधर आओ, हाँ जी चुप, क्या ले लिया था, रिजल्ट ले आए थे, लो जी रिजल्ट ले आया था, मैं घर जाके आपको दिखाता हूँ कि ये जो रिजल्ट था स्कूल का वो भी ले आया है। तो अब हम पानी भर लें फिर घर जाके रिजल्ट भी देखते हैं इसका। भरो पानी, पानी तो भरो, आप अर्शिया अर्शिया क्या कह रहे थे, हैं को भुका रहे थे, पानी भरने के बाद अब जा रहे हैं वापिस, जा रहे हो वापिस, जा रहे हो घर को, उसके बाद जाएंगे जानकारी लेने,
पीछे के बैठने का स्टाइल चेक करो जरा। ये जिधर भी जाती है इसी तरह ही बैठती है हमारे साथ। ये जी हमारे दोनों कूलर हैं 12 वोल्ट वाले, एक ये ऊपर पड़ा हुआ है एक ये नीचे है। हुआ क्या कि इतनी गर्मी की वजह से कल कूलर चल रहा था तो इस मोटर के टूटने की वजह से इसका काफ़ी नुकसान हो गया और पर भी टूट गए, जिसकी वजह से गर्मी इतनी ज़्यादा है पर भी टूट गए और आगे की जो जाली थी वो भी सारी इसकी टूट गई, ये वाली जाली जितनी थी वो भी सारी टूट गई। तो अब गर्मी इतनी ज़्यादा है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है, अभी इनको सही भी कराना है और इनकी जो है वो जालियाँ वगैरह वो भी डलवानी है। क्योंकि हमारा पहले तो नया कूलर लेने का प्रोग्राम बन गया था लेकिन अभी सिर्फ एक महीना रहता है, इसलिए फिर मशवरा किया कि हम इस मंथ जो है वो कूलर नया नहीं लेंगे, तो कूलर जो है वो अगले सीज़न पर ही ले लेंगे। अभी इनको ही मरम्मत वगैरह करवा के गुजारा कर लेते हैं, क्योंकि जो ऊपर प्लेटें वगैरह लगी हुई हैं ये सारा दिन चलते रहते हैं और लाइट वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा जाती है, तो इस वजह से जो है जो प्लेट पर अगर कूलर चलता हो तो ये प्रॉब्लम नहीं होती कि लाइट आए या जाए तो वो कूलर चलता रहता है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि बिजली का बिल भी बहुत कम आता है और ये पंखा भी नया ले आए हैं और अभी इसकी जो है कूलर की जालियाँ वगैरह उसकी वो भी अभी नई डलवानी है, वो भी बाज़ार लेके जाऊँगा मैं, तो वो भी नई डलवानी है। तो ये जालियाँ सारी की सारी जो है ना उसका इतनी ख़राब हुई पड़ी ना जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है, ये जालियाँ भी सारी की सारी जो है वो ख़राब हुई पड़ी हैं। अब इनको मैं सही करवाने के लिए लेके जाऊंगा तो फिर ठीक होगा कूलर ये, क्योंकि बच्चे हैं वो फिर गर्मी में बैठना मुश्किल होता है, इसलिए हमने छत के ऊपर प्लेटें रखी हुई हैं और ये कूलर प्लेटों पर ही सारा दिन चलते रहते हैं। सुबह 6 बजे से चलना शुरू हो जाते हैं और गालबन शाम जब तक सूरज ग्रूब नहीं होता ना तब तक ये चलते रहते हैं, तो इनकी वजह से रूम भी काफ़ी ठंडा हो जाता है और बच्चे सुकून से रहते हैं, कोई टेंशन वगैरह नहीं बनती, तो बिजली का बिल भी बहुत कम आता है। तो अब इनको मैं लेके जाऊंगा बाज़ार के बताए, मैं खुद ही इनको ठीक करूंगा ताकि जो है ये अच्छी तरह ठीक हो जाए और बच्चों को गर्मी ना लगे। तो अब इनको मैं करता हूँ ठीक। अजान भाई अच्छा शूज पहन के अपना रिजल्ट लेके आओ। कल हम स्कूल गए थे तो कल नहीं अजान भाई जो था ना अजान बेटा मेरा वो कल ही रिजल्ट लेकर आ गया था, तो आपने रिजल्ट दिखाया नहीं मुझे, कितने मार्क्स आए आपके, फर्स्ट आए सेकंड आए हो? फर्स्ट आए हो, इधर बैठो बताओ मुझे। फर्स्ट आए हो, वेरी गुड, दिखाओ रिजल्ट निकालो। अच्छा जी कितने मार्क्स आए हैं आपको? वाह 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 वाह, यानी के 250 में से 247 मार्क्स जी, अजान के मार्क्स 250 में से 247 मार्क्स हैं और 98% है, वेरी गुड, बहुत अच्छा मेरा बेटा है, ठीक है अच्छे बच्चे पढ़ के पढ़ोगे ना। अब जो सालाना इम्तिहान होगा उसमें कितने नंबर लोगे? पूरे फर्स्ट डिवीजन? यस। अगर आप फर्स्ट आए तो आपको आपने क्या नाम लेना है? गिफ्ट क्या लेना है? साइकिल तो मैंने आपको पहले ले दी है, अब क्या लेना आपने बताओ? छोटी मोटर बाइक लेनी है। चले ठीक है, अगर आप फर्स्ट आए तो आपको अच्छा सा सरप्राइज मिलेगा, क्योंकि अभी आप छोटे हो मोटरबाइक आप चला नहीं सकते, तो इसलिए फिर जो है ना वो आपको मैं कोई ना कोई गिफ्ट ले दूंगा, ठीक है? ठीक है। अच्छा तो ये क्या है? सिलेबस। ये सिलेबस है, तो सिलेबस कंप्लीट कर लिया आपने, पढ़ना शुरू किया नहीं अभी, तो वो भी पढ़ लो बेटा। आज पढ़ना है? चलें ठीक है, आज आपने पढ़ना है और सिलेबस भी कंप्लीट करना है। जिस तरह आपके अच्छे मार्क्स इस मतलब आए हैं इसी तरह जो है वो सालाना इम्तिहान जब होंगे तो तब भी अच्छे मार्क्स आने चाहिए, फिर आपको वर्दी, न्यू बैग, न्यू शूज, न्यू बुक्स, न्यू वाटर वाली बोतल, न्यू लंच बॉक्स मिलेगा, ठीक है? Yes. आपको फर्स्ट आने की खुशी में ये सब कुछ गिफ्ट मिलेगा, ठीक हो गया? Yes. पक्का प्रॉमिस फर्स्ट आओगे? Yes. चले ठीक है, तो मैं सब दोस्तों से इसके साथ ही अपने व्लॉग का जो है एंड करता हूँ।
तो आप सब बाय बाय कर दो, मुझे तो अभी इधर मेरे पास हो ना, अभी इधर आओ सामने, इधर से चलो जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, सबको कर दो पाई कर दो, सबको हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक करें जरूर करें, ठीक है जी। इसके साथ ही आज का व्लॉग खत्म करते हैं, अल्लाह निगेबान।